अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आई एम मोहम्मद फौद मलिक और आज हमने चैप्टर नंबर सेवन के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन जी स्टूडेंट्स तो ये है क्वेश्चन नंबर वन जिसमें वो कहते हैं नेम द टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो करेक्टरिस्टिक्स जो है वो डिस्क्राइब करनी है तो इसके लिए हम लि डिस्क्राइब करते हैं सबसे पहले जो सिंपल हॉर्मोनिक मोशन का रिलेशन है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के अब इससे हमें दो बातें पता चलती हैं नंबर वन रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट कहां से मैयर किया जाता है फ्रॉम मेन पोजिशन अब रिलेशन हमने एक्सेलरेशन का लिखा और बात हमने यहां पे फोर्स की कर दिया तो स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा कि आर्टिकल में हमने ये बात की थी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जनरेट होने वाला एक्सेलरेशन रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से होता है और न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक हमें यह बात पता है कि जब भी सिस्टम में फोर्स होती है तो एक्सेलरेशन होता है और दोनों के एक दूसरे की डायरेक्शन में दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम होती है ठीक है अब सेकेंडली हम इस रिलेशन के मुताबिक लिखते हैं कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टू वर्ड्स मीन पोजिशन क्या एक्सेलरेशन भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रपोर्शन होते हैं जबकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजिशन की तरफ होती है और फ्रेंड्स इसमें हम ये बात भी लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट ठीक है फ्रेंड्स आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ क्वेश्चन नंबर टू में कहता है फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक ऑसिलेटर के एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है या नहीं हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या चीज होती है अब आप लोगों ने आर्टिकल दो किस्म के पढ़े हैं एक तो मैस्प्रिंग सिस्टम पढ़ा है दूसरा पेंडुलम वाला पढ़ा है अगर उन दोनों सिस्टम्स की हम कंबाइंडली बात करें तो उसको हम जनरली नाम देते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर का ठीक है स्टूडेंट्स इसमें आपने दोनों सिस्टम्स को डिस्क्राइब करना है दोनों सिस्टम के फ्रीक्वेंसी के रिलेशन लिखेंगे और उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे कि फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है या नहीं ठीक है तो आइए देखते हैं इसका आंसर बनेगा नो फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन एम्प्लीट्यूड ऑफ हॉर्मोनिक ऑसिलेटर इसमें हम दोनों केसेस डिस्क्राइब करते हैं फॉर जेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम जिसके लिए फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है एफ इज इक्वल टू वन ओवर टू पाई अंडर रूट ऑफ के बाय एम और दूसरा सिस्टम है हमारे पास फॉर सिंपल सिंपल पेंडलम केस में फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है एफ इज इक्वल टू वन ओवर टू पाई ऑफ जी स्टूडेंट्स इन दोनों रिलेशंस को हमें ये पता चलता है कि कोई भी पैरामीटर ऐसा नहीं है ना मैस्प्रिंग सिस्टम के अंदर ना ही पेंडलम के अंदर जो के इस टर्म यानी एम्पलीटूड को डिस्क्राइब कर रहा हो तो इस वजह से हम लिख सकते हैं Hence, फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्मोनिक ऑसिलेटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंप्लीट्यूड ठीक है स्टूडेंट्स अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ स्टूडेंट ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री जिसमें वो कहता है कैन वी रियलाइज एन आइडियल सिंपल पेंडलम क्या आप आइडियल सिंपल पेंडलम को रियलाइज कर सकते हैं रियलाइज का मतलब ये है कि आप उसको डेली लाइफ में बना सकते हैं या नहीं तो स्टूडेंट्स एक बात तो कन्फर्म है कि जो भी चीज आइडियल होती है वो डेली लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती तो इसका आंसर बनेगा नो no. वी Cannot realize ideal simple pendulum because it consists of point number one, point mass. Number two, massless and inextensible string. कनेक्टेड विद इसमें फिर पॉइंट नंबर थ्री आ जाएगा रिजिड एंड फ्रिक्शन सपोर्ट तो स्टूडेंट्स ये वो बातें हैं जो कि हम डेली लाइफ में या प्रैक्टिस में अचीव नहीं कर सकते लाइक like, एक पॉइंट मैस का मतलब होता है कि बहुत ही छोटा सा मैस होना चाहिए पॉइंट नंबर है मैसलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग आपके पास जो धागा है वो मैसलेस होना चाहिए और उसमें किसी किस्म की एक्सटेंशन ना हो सके नंबर थ्री वो कहता है कि सपोर्ट जहां से आपने सिंपल पैंडलम को टाई किया हुआ है या बांधा हुआ है वो रिजिड सपोर्ट होनी चाहिए और साथ में वो फ्रिक्शन लेस भी होनी चाहिए तो ये चीजें डेली लाइफ में या प्रैक्टिस में हम अचीव नहीं कर सकते तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि हेंस वी कैन नॉट रियलाइज आइडियल सिंपल पेंडुलम ठीक है स्टूडेंट्स अब आ जाए क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ कहता है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एसएचएम इन द टाइम इक्वल टू द टाइम पीरियड इफ इट्स एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू कैपिटल ए हमारे पास कोई एक सिस्टम है वो मैस पैंग सिस्टम भी हो सकता है या फिर सिंपल पेंडलम भी हो सकता है ठीक है तो आपने ये बताना है कि अगर आप उसको ऑसिलेट करवाते हैं ऑसिलेशन के दौरान वो टाइम जिसको आप उसका टाइम पीरियड कहते हैं उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो इसको हम देखते हैं कर लें कि हम सिंपल पेंडलम की एग्जाम्पल यहां पर कंसिडर करते हैं जिसमें दिस इज़ द मेन और ये आ जाएंगी उसकी एक्सट्रीम पोजिशंस अब स्टूडेंट्स टाइम पीरियड के बारे में हमें पता है व्हाट इज टाइम पीरियड टाइम पीरियड इज दैट टाइम विच इज टेकन बाय द वाइब्रेटर टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करने के लिए वाइब्रेटर जितना टाइम लेता है उसको हम क्या नाम देते हैं टाइम पीरियड का नाम देते हैं अब इसमें अगर आप स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन तो एक्सट्रीम पोजिशन से मीन पोजिशन तक यह क्या डिस्टेंस बन जाएगा एम्पलीट्यूड फिर मीन से अदर एक्सट्रीम पोजिशन यह भी क्या आ जाएगा एम्पलीट्यूड फिर अदर एक्सट्रीम से मीन पोजिशन और फिर मेन पोजीशन से बैक टू द सेम एक्सट्रीम पोजीशन तो ये हमारे पास जो है ना वो टोटल डिस्टेंस बनता है क्योंकि वाइब्रेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है वन कंप्लीट राउंड ट्रिप या फिर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन बैक टू द सेम एक्सट्रीम पोजिशन तो चाहे आप इसकी एक राउंड ट्रिप स्टार्ट कर लें किसी भी पॉइंट से इस एक्सट्रीम पोजिशन से मीन से या इस एक्सट्रीम पोजिशन से स्टार्ट कर लें आपने एक राउंड ट्रिप इसकी कंप्लीट करनी है या फिर अगर आप एक्सट्रीम पोजिशन से जस्ट स्टार्ट करते हैं तो आपने जिस एक्सट्रीम पोजिशन से इसको स्टार्ट किया है दोबारा मूव करते करते आपने सेम एक्सट्रीम पोजिशन के ऊपर जाना है तो वन वाइब्रेशन होगी तो इस तरह से चूंकि हमने टोटल डिस्टेंस बताना है तो टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा Total distance travelled by an object which is performing SHM in time. इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड इज फोर टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड ठीक है वो किस तरह से आ जाएगा उसको हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली टोटल डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू कितनी दफा मूव किया कितना डिस्टेंस मूव किया इसने इस एक्सट्रीम पोजिशन से ए फिर ए फिर यहां से वापस आते हुए ए एंड देन फिर ए ठीक है तो टोटल डिस्टेंस की वैल्यू इसकी आ जाएगी फोर टाइम्स ऑफ ए ठीक है स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अब अगर इसी तरह के क्वेश्चन के अंदर एमसीक्यू के लिए बात नोट कर लें कि अगर वो आपसे ये पूछता है कि तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट विच इज परफॉर्मिंग एसएचएम इन द टाइम इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो देखें ऑब्जेक्ट जिस जगह से स्टार्ट करते हैं अपनी मोशन दोबारा उसी जगह पे आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन तो सेम पोजिशन होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो के इक्वल आ जाएगी ठीक है चले आइए अब क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं जी स्टूडेंट्स अब आइए क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं इसमें कहता है कि व्हाट हैपन टू द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडलम इफ इट्स लेंथ इज डबल एंड व्हाट हैपन इफ द सस्पेंडेड इज डबल आपने टाइम पीरियड को डिस्क्राइब करना है अगर आप पेडलम की लेंथ को टू टाइम्स कर देते हैं और जो आपने उसके साथ मैथ सस्पेंड किया हुआ उसको टू टाइम्स कर सकते हैं तो आइए देखते हैं सबसे पहले तो इसमें हम टाइम पीरियड का रिलेशन लिखते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडलम होता है टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ एल ओवर जी अब इसको हमने दो पार्ट्स में डिस्क्राइब करना है पहले हम इसमें कंसीडर करते हैं इफ लेंथ इज डबल्ड तो जब आप लेंथ डबल करेंगे तो इसमें वैल्यू आ जाएगी एल प्राइम इज इक्वल टू टू टाइम ऑफ इनिशियल लेंथ ठीक है सो न्यू टाइम पीरियड को हम टी प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे विच इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट ऑफ एल प्राइम डिवाइडेड बाई जी इसको हम लिख सकते हैं टू पाई अंडर रूट ऑफ एल प्राइम की वैल्यू किसके इक्वल है स्टूडेंट टू एल के इक्वल है वो यहां पर लिख देंगे टू एल डिवाइड बाई जी अब आपने जो ओरिजिनल फॉर्मूला की शेप है उसको मेनटेन रखना है जो एक्स्ट्रा फैक्टर यहां पे जनरेट हुआ है उसको आप फॉर्मूला से बाहर निकाल लें सो टी प्राइम इज इक्वल टू अंडर रूट टू बाहर निकल आएगा और रिमेनिंग फैक्टर क्या बन जाएगा टू पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय जी अब स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट में जो आपको फैक्टर नजर आ रहा है ये तो इनिशियल टाइम पीरियड की वैल्यू है तो हम इसको लिख सकते हैं कि न्यू टाइम पीरियड इज इक्वल टू अंडर रूट टाइम्स ऑफ इनिशियल टाइम पीरियड तो रिजल्ट क्या बन गया रिजल्ट में हम लिख सकते हैं बाय डबलिंग लेंथ ऑफ पेंडुलम इट्स टाइम पीरियड इनक्रीजेज बाय अंडर टू ठीक है फ्रेंड्स ये तो लेंथ को डबल करने का इफेक्ट आ गया अब हम देखते हैं कि सस्पेंडेड मैस को जब डबल करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट आता है इफ सस्पेंडेड mass इज डबल तो स्टूडेंट्स हमें फॉर्मूला से पता चल रहा है कि टाइम पीरियड सस्पेंडेड मैथ पे डिपेंड नहीं करता तो इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि बाय डबलिंग सस्पेंडेड मैथ time period of simple pendulum remains same because time period is इंडिपेंडेंट ऑफ मैथ ठीक है स्टूडेंट्स तो यह है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सिक्स में वो कहता है कि डज द एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हॉर्मोनिक ऑसिलेटर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज एक्सेलरेशन एवर जीरो एक्सप्लेन कि सिंपल हॉर्मोनिक ऑसिलेटर का एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है या नहीं और क्या कभी उसकी वैल्यू जीरो भी होती है आपने इसको डिस्क्राइब करना है तो फ्रेंड्स इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे कहता है कि एस सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक्सेलरेशन का रिलेशन होता है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स अब उसने चूंकि हमें हार्मोनिक ऑसिलेटर का नाम दिया है इसका मतलब है हमने जनरल बात करनी है और फॉर्मुले को भी हमने जनरालाइज फॉर्म में लिखा हुआ है ठीक है इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है इसको हम रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स अब यहां से क्या मतलब बनता है कि एक्सलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ये हम लिख लेते हैं विच शोज दैट Acceleration varies directly with displacement. So, acceleration. ड नॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट अब स्टूडेंट्स उसने क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में पूछा हुआ है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कभी जीरो भी होती है तो आइए उसको एक्सप्लेन करते हैं कहते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट Passes through its mean position, then displacement becomes zero and hence.

यहां तक था आज का आर्टिकल उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे इजाजत चाहते हैं